For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss an update from Movies Adda. Hello guys, this is Jyoti Nahak and welcome to Movies Adda. Akshay Kumar ki production house, yani ki Akshay Kumar ki team ki ek galti सलमान खान को प्रॉफिट में ला सकती है और अक्षय को लॉस में ले जा सकती है। जी हाँ, और ये क्या गलती है चलिए बताती हूँ। वेल, हम सभी जानते हैं कि फॉक्स स्टूडियोज़ जो है वही बागी 3 भी लेकर आए हैं और वही लक्ष्मी बॉम्ब भी लेकर आ रहे हैं। ऐसे में बड़ी ही चालाकी से उन्होंने एक ऐसा प्रपोजल रख दिया दिल्ली और यूपी के थिएटर्स के ओनर्स को, जिससे कि वो नुकसान में पड़ सकते हैं। जी हाँ, वेल, बागी 3 बॉक्स ऑफिस पर अच्छा बिजनेस कर रही है, लोग जा रहे हैं थिएटर्स तक फिल्म देखने बागी 3। ऐसे में फॉक्स स्टूडियोज़ ने एक शर्त रख डाली जो कि कहीं से भी वैलिड मुझे तो नहीं नज़र आती। उन्होंने ऐसा कह दिया कि जितने भी थिएटर के रिस्पेक्टिव ओनर्स हैं उन सभी से ये कहा गया, बुलाकर एक मीटिंग कर ये कहा गया कि वो बागी 3 तभी अपने थिएटर्स में चला सकते हैं अगर वो प्रॉमिस करते हैं, अगर वो लीगली कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मी बॉम्ब जो है वो अपने थिएटर्स में लगाएंगे। अब ये इतनी बड़ी इनडायरेक्ट ब्लैकमेलिंग कर दी गई है कहीं ना कहीं, क्योंकि मेकर्स ने ये बहुत ही रॉन्ग स्टेप लिया है। ऐसे में एक ऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक जो यूपी के और दिल्ली के जो थिएटर ओनर्स हैं उन्होंने इस बात को कंफर्म किया और उन्होंने कहा कि पहले हमने सोचा था कि दोनों ही मास ऑडियंसेस को लाइक करने वाली फिल्म्स है, तो ऐसे में हम दो शोज लक्ष्मी बॉम्ब को देंगे और दो शोज राधे को देंगे, सलमान और अक्षय को इक्वल स्पेस मिलेगा। लेकिन फॉक्स स्टूडियोज की इस हरकत के बाद हम लक्ष्मी बॉम्ब को एक भी स्लॉट नहीं देने वाले हैं, चार शोज में से एक भी शो लक्ष्मी बॉम्ब को नहीं मिलेगा और हम कोशिश करेंगे कि और भी ज़्यादा से ज़्यादा जो थिएटर ओनर्स है वो इस चीज़ पर हमारा साथ दें, ऑन बोर्ड आए इस चीज़ को लेकर और सिर्फ राधे के शोज होंगे। वेल वेल वेल, अब ये तो बहुत बड़ा डिसीजन आ चुका है। कहीं ना कहीं अब अक्षय कुमार का रिएक्शन देखना जायज़ होगा कि अक्षय कुमार किस तरीके से रिएक्ट करते हैं जब उन्हें पता चलेगा कि उनकी जो टीम है, यानी कि अक्षय की टीम डायरेक्टली नहीं बल्कि जो फिल्म की जो टीम है उनकी लक्ष्मी मॉम की, उन्होंने इतनी बड़ी ब्लंडर मिस्टेक कर दिया। अब इस पर आपका क्या कहना है ये आप मुझे कमेंट्स करके बताइए। दिस इज ज्योति नाहक साइनिंग ऑफ।